मुंबई दिल्ली के मैच के बाद टेंशन में विराट कोहली, ये है वजह। आईपीएल की शुरुआत हुए अभी दो दिन ही हुए हैं और खिलाड़ियों को चोटें लगना शुरू हो गई हैं। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान चोट लगी, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के फिजियो उन्हें मैदान से बाहर ले गए। बुमराह की चोट से विश्व कप के लिए जाने वाली भारतीय टीम की चिंता बढ़ सकती है। दिल्ली कैपिटल्स की पारी की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत के शॉट को रोकने के प्रयास में उन्हें चोट लगी, जिसके बाद इस तेज गेंदबाज को बायां कंधा पकड़कर दर्द में कराहते हुए देखा गया। पंत ने बुमराह की ओर शॉट खेला जिसे उन्होंने गिरते हुए रोक तो दिया, लेकिन इस दौरान उनके कंधे में चोट लग गई। ब्रिटेन में लगभग दो महीने बाद शुरू होने वाले विश्व कप में बुमराह को भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई इंडियंस के फिजियो इसके बाद मैदान पर आए और बुमराह को बाहर ले गए, जो काफी दर्द में लग रहे थे। ऐसे में अब बुमराह की चोट टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की टेंशन बढ़ा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान जब मुंबई इंडियन का 9वां विकेट गिरा था, तब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए भी नहीं आए थे और मुंबई इंडियंस की पारी 176 रनों पर सिमट गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 12 का आगाज जीत के साथ किया है। दिल्ली ने रविवार को वांगेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 37 रन से शिकस्त दी है। मुंबई इंडियंस के घर में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को 214 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। पंत ने अपनी 27 गेंदों की पारी में 7 चौके और 7 छक्के लगाए। शिखर धवन ने 43 रनों की जोरदार पारी खेली। धवन के अलावा कॉलिन एनग्राम ने 47 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में मिशेल मैकलेनहन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और बेन कटिंग ने 1-1 विकेट हासिल किया। 214 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस 176 रन ही बना पाई और दिल्ली ने यह मैच जीत लिया। मुंबई की टीम युवराज सिंह 53 के अर्धशतक के बावजूद 19.2 ओवर में 176 रन पर ढेर हो गई। युवराज के अलावा कृणाल पंड्या 32 की 30 रन के आंकड़े को पार कर पाए। जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे।